तब तक छोड़े। अबे यार आज तो बोर हो गए। हाँ यार सही कह रहा है। अरे वो देसी कबार कहाँ है यार? कहाँ हो सकता है, होगा वही खेत में। ऐसा करते हैं चलते हैं उससे मजे लेते हैं। चल देसी, क्या चल रहा है? तुझे दिख नहीं रहा, वही खेत के काम। और भाई कर भी क्या सकता है ये भाई, थमने बताया भी नहीं थमा रहे हो, एक बार बता तो देते। बताते कैसे, कबूतर वो चिट्ठी लेके भेजते तेरे पास, फोन तो है नहीं तेरे पास, गरीब। अच्छा भाई ये सब छोड़ो यार, आओ चलो बैठते हैं। लो भाई पानी। ये गंदा पानी पियेंगे हम? तू इतने साल से हमारे साथ रह रहा है, फिर भी तुझे अपनी और हमारी औकात में फर्क पता नहीं चला? भाई एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। तुम देसी गवार ना सिर्फ खेती में काम करना जानते हो, और ये बड़ा बनने का ना सपना छोड़ दो। अबे तू भी किस गवार के मुंह लग रहा है, चल। एक मिनट रुक, हम ना तुझे सिर्फ ये बताने आए थे कि हमारी जॉब लग गई है मल्टीनेशनल कंपनी में। अरे वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। अरे बस बस, कल पार्टी रखी है, तुझे लेने आएंगे, तैयार मिलियो। चल इसी बहाने कुछ खाने को मिल जाएगा इसे। हाँ सही कह रहा है। हेलो। हेलो। हाँ पल्लवी रेडी है ना, हम तुझे पिक करने आ रहे हैं। हाँ मैं रेडी हूँ, पर तुम अपने उस गवार दोस्त को मत लाना। अबे यार अब तो बोल दिया हमने उसे। यार तुम देख लो जो करना है। अबे यार क्या करें अब। चल कोई बात नहीं, टेंशन मत ले यार, बेइज्जती करके भगा देंगे। चल भाई दरवाजा तो खोल दे यार। अबे वो गवार, ऐसे जाएगा तू हमारे साथ पार्टी में? क्या हो गया भाई? अबे तुझे ले जाके हमें बेइज्जती थोड़ी करवानी है। हाँ भाई सही कह रहा है। और हाँ हमसे तभी मिले जब तेरी औकात हो। बस भाई बहुत हो गया तुम्हारा, दोस्त मानता था इसलिए सुन रहा हूँ। और भाई याद रखना, वक्त की खास बात है, बदलता जरूर है। ठीक 2 साल बाद मिलूंगा तुम्हें यहाँ पे। राम राम। अबे चल तू भी किस गवार के मुंह लग रहा है, चल अपने वैसे लेट हो रहे हैं। क्या बात है छोटे, बड़ा उदास सा लग रहा है। कुछ ना भाई, ये अपने बड़े भाई तभी ने बताओ होगा के। भाई कल जब मैं खेती कर रहा था ना, तो मेरे वो 2 दोस्त आए थे। और भाई मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख छोटे, अगर बड़ा आदमी बनना है ना, तो शुरुआत तो खुद ही करनी पड़ेगी। एक काम कर, मैं तेरे इंटरव्यू की बात कर लूंगा, कल जाके इंटरव्यू दे आइए, ठीक है ना? ठीक है भाई, राजी राजी रह कर। चल चालू मैं।
बताइए, किस लिए चाहिए आपको ये जॉब? सर मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, मैं पूरी लगन और मेहनत से काम करूँगा, आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस जॉब के लिए तुम कितने पैसे दे सकते हो? सर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ जॉब मांगने क्यों आता? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ फ्री में जॉब बांटने के लिए बैठे हैं? चलो निकले यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं देसी गवार। छोटे के रहा तेरे इंटरव्यू का? भाई सब लाल चाहिए, सबको बस पैसे चाहिए। अच्छा रहे, रिपेयर की काम हो सका भाई? क्या भाई? आईएएस बनना। कैसी बात कर रहे हो भाई, आईएएस बनना इतना आसान थोड़ी है। देख यूट्यूब पे यार हर दिन एक आईएएस बने, एक आध और बन जाकर कई दिक्कत हो जाएगी। अब ये छोड़, अब तैयारी कर, ठीक है? ठीक है। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जाऊं मुसाफिर कभी, इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जाऊं मुसाफिर, इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से। हाँ भाई क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है यार। अबे यार क्या बताऊँ, एक नया आईएएस ऑफिसर आया है, साले ने सारे इनलीगल काम बंद करवा दिए। अरे हाँ यार, मेरे भी साले ने 3-4 ट्रक सील करवा दिए यार। अबे देसी तू? तू नहीं, आप यहाँ के नए आईएएस ऑफिसर हैं ये। अरे तो अपना दोस्त है यार। तुम्हारी औकात नहीं है एक आईएएस ऑफिसर के साथ दोस्ती रखने की, और शायद तुमने एक देसी को हल्के में ले लिया। तुम भूल गए देसी एक ब्रांड था, है और रहेगा। राम राम, राम।